देवर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वाष्णेय न्यूज 11 भारत से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देना होगा। एम्स निर्देशन में वैसे लोग जो रक्तदान करते रहे हैं वो दूसरे डोज लेने के 3 से 4 सप्ताह बाद ही रक्तदान कर सकते हैं। एम्स डायरेक्टर से सीधे की क्या कुछ प्रिकॉशन चुकी युवा वर्ग और ब्लड डोनेट? पहला तो संदेश सबको ये जाना चाहिए कि यह बीमारी की जो लड़ाई है वो समाज के हाथ में बहुत कुछ है। जो 3 चीजें शुरू से कही जा रही हैं कि 1-2 गज की सामाजिक दूरी, बार बार हाथ का धोना या सैनिटाइजेशन से हाथ का साफ करना, और तीसरा मास्क पहनना, यदि हम इन 3 चीजों का ध्यान रखें तो हम इस कड़ी को तोड़ सकते हैं कि संक्रमण और लोगों में ना पहुंचे। दूसरी चीज जो हम लोग देख रहे हैं, भारत सरकार जिस पे पूरा प्रयत्न कर रही है वो है वैक्सीनेशन, कि जितने लोगों का हम टीकाकरण कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, वो कोई भी टीकाकरण 100% इम्यूनिटी नहीं देता है, लेकिन हाँ 70-80% चांसेस इन्फेक्शन के संक्रमण के कम हो जाते हैं। और जिनमें यदि टीका लगने के बाद संक्रमण होता भी है तो उनकी तीव्रता लक्षणों की कम हो जाती है, वह बीमारी जानलेवा नहीं होती। टीकाकरण को पूरा सहयोग दें। भारत सरकार ने अब 18 से 45 आयु वर्ग के लिए भी टीकाकरण की प्रणाली शुरू कर दी है। जो रक्तदाता हैं वो ज्यादातर युवा वर्ग ही होते हैं, और अब हम युवा वर्ग का यदि टीकाकरण कर रहे हैं तो क्या वह रक्त दे पाएंगे या नहीं, ये सवाल आपका ये है। देखिए, जो टीकाकरण होता है उससे एंटीबॉडी बनते हैं, जो एंटीबॉडी बनते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं कुछ हफ्तों के बाद और 4 से 6 हफ्ते के अंदर बन जाते हैं। तो यदि किसी का टीकाकरण हुआ है वो 3 से 4 हफ्ते के बाद ब्लड दे सकता है, तो उसमें कोई ब्लड देने में नुकसान नहीं है। यह जरूर है कि यदि आप किसी रक्त कोष में ब्लड बैंक में जा रहे हैं तो आप अपने टीकाकरण की स्थिति को जरूर बताएं। के साथ मैं भारत के लिए देवघर से।